मैं बेबस हूँ। बेबसी का कारण है, कुछ कारण भी नहीं है और कारण पूछिए तो बहुत कारण है। आज मैं बोलूँगा बहुत कम, सोचूंगा कि ये माता जी बोलें, और इनकी बेबसी का कारण भी आप लोग जानते ही होंगे। ये भी बेबस हैं और इनका पुत्र जो है वो भी बेबस है। बेबस भ्रष्ट सिस्टम से तो है ही, साथ में इस नेता नगरी से भी बेबस हैं, और अब बेबस जनता भी कर रही है। मैं इतना ही कहूँगा कि जनता जनार्दन कहलाती है, यानी जनार्दन माने सब कुछ है, और जब जनता जनार्दन साथ देती है ना तो पूरा दुनिया इधर से उधर हो जाता है। मेरे पास शब्द नहीं आए, मैं लड़खड़ा रहा हूँ क्योंकि मैं इनकी माँ की ममता जो है ना वो कल मैंने देखा वहाँ पर, कैसे यहाँ पर धिक्कारते हैं वो मैंने कल देखा। इनकी बेबसी आप समझ पाएंगे। मैं आपसे कहूँगा कि जनता के ऊपर मुझे विश्वास है लेकिन इन नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं है। मैं कहूँगा एक बार फिर से आप लोगों से कि आप लोग अगर मेरे इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं तो शपथ लीजिए और सौगंध खाइए मेरे साथ, आज किस बच्चे को बचाना है। एक एक रुपया मैं कह रहा हूँ शुरू से, एक एक रुपया, दो दो रुपया, तीन तीन रुपया आपको जब डोनेशन देंगे तो इस बच्चे की जान बच जाएगी। मैं नेताओं को कोस कोस के थक गया हूँ, आज मैं अपने आप को कोस रहा हूँ कि इस भ्रष्ट नेताओं को मैंने आखिर क्यों कोसा। ये मेरी नहीं सुनेंगे, बड़े उद्योगपति भी नहीं सुनेंगे। ठीक है, वो अलग विषय था कि हमने कोसा, लेकिन आपसे निवेदन है आज, आप लोग 5-5 लाख 6-6 लाख लोग देख रहे हो फेसबुक यूट्यूब पर, अगर एक एक रुपये दीजिएगा ना तो 5 लाख रुपये हो जाइएगा। वीडियो मैं करता रहूँगा, टीआरपी मिलती रहेगी, टीआरपी के लिए और काम करूँगा, लेकिन आज हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं रोता नहीं हूँ और शायद ये भी नहीं रोएंगे, लेकिन बस इतना कहूँगा कि अगर कहीं से भी देख रहे हैं तो आज फोकस कीजिए इस बात पर कि डोनेशन के लिए पूरी बात डोनेशन पे हो रही है। मैं इस अयांश के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड के सभी बच्चों से के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। बस इतना ही कहूंगा, वहां भी मुझे टीआरपी मिलेगी, लेकिन अगर इनके पास कुछ धन है तो उस धन को आप व्यर्थ ना जाने दें, उस धन का सदुपयोग कर लीजिए और इस बच्चे को बचा लीजिए। चलिए, इनकी माता जी से मैं बात करूंगा, मैंने बहुत बोल दिया है, और कल जिस प्रकार से घटना घटित हुई आप भी बेबस होंगी और वहां पर सभी लोग चिंतित थे। कल की घटना जरा फिर से एक बार हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। सर्कल में गांधी मैदान गई थी, वहाँ गांधी मूर्ति के पास हम बैठकर बस अपील टाइप का करना चाह रहे थे और सब कुछ बहुत शांति से चल रहा था। तब तक कुछ ऑफिसर्स डीएम ऑफिस से आए और बोलने लगे कि आप लोग यहाँ से हटिए, ये धरना का जगह नहीं है, नहीं तो पुलिस बुलाया जाएगा, इस तरीके से बहुत गंदे तरीके से बोलने लगे। तो और बोलने लगे कि ये कोई जगह नहीं है, आप लोग यहाँ से हट जाइए, ये धरना का जगह नहीं है, आप लोग यहाँ से कहीं और जाकर करिए, ये आपका पर्सनल है। तो सर, उनके लिए 16 करोड़ रकम जुटाना ये उनके लिए पर्सनल है। उनके घर के अगर बच्चे होते तो शायद ये लाइन वो नहीं बोलते कि आप धरना कहीं और जा कर दीजिएगा। ये बच्चा ऐसा उनके नज़र में बहुत कुछ नहीं है उनके लिए, इसीलिए ये लाइन वो यूज़ किए कि आप लोग धरना कहीं और दीजिएगा। उन लोगों के मन में बस यही है, उनके लिए धरना इम्पॉर्टेंट है, मतलब बच्चे की अगर जान बचानी है तो पहले धरना करो, सरकार से परमिशन लो, परमिशन आता है तो बच्चा बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। मुझे नहीं लगता कि सरकारें मदद करेंगी आपकी, कौन मदद करेगा फिर? सर, आम जनता ही करेंगी, क्योंकि अब तक वही लोग की हैं, कोई सरकार तो हमारी मदद नहीं की है। 7 करोड़ 18 लाख 16 हज़ार अगर हम पहुँचे हैं तो वो सरकार के कारण नहीं पहुँचे, वो आम जनता के कारण पहुँचे। दिल्ली से पटना आया था कुछ अच्छा करूंगा, लेकिन इन नेताओं ने अच्छा किया ही नहीं है तो हमें करने कहाँ से देंगे। अरे तुम अच्छा किए होते ना बाबू तो हम भी अच्छा करते तो अच्छी बात होती, लेकिन तुम अच्छा किए ही नहीं हो। कल गांधी जी भी रो रहे होंगे ऊपर से देख के कि साला हमको राष्ट्रपिता कहते थे, अब यहाँ पर हमारे बड़े बड़े बाप बने बैठे हैं, वो लोग इस बच्चे को नहीं बचा पा रहे हैं, ये दुर्भाग्य है हमारा और इस पूरी देश की जनता का। मैं इतना ही कहूंगा कि इस बच्चे को बचा लीजिए, ये अपील कर करके इनके मुँह का पानी सूख गया होगा, ठीक है, ये लोग थक गए होंगे। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि ये बिहार की ही बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। कोई भी प्रधान सेवक हो, कोई भी मुखिया मुखिया जो कोई भी हो, इनका मदद कीजिए, मैं इतना ही चाहता हूं, और कुछ नहीं है। दिल्ली से आया था, सोचा कि कुछ अच्छा करूंगा, अच्छा कर भी रहा था, लेकिन जिस प्रकार से कल हुआ मुझे लगा कि यहां अच्छा हो ही नहीं सकता, ये बिहार है। मुस्कुराइए, आप बिहार में हैं, मैं नहीं मुस्कुराता क्योंकि आप लोगों ने अपना फर्ज नहीं अदा किया है। कल का जो घटना था उससे सब लोग प्रभावी तरीके से
हस्तक्षेप करने की मैं मांग करता हूं, ताकि प्रधान सेवक को भी पता चले कि जिस प्रकार से एक महिला को वहां से उठा दिया गया जो शांति तरीके से अपने बच्चे को लेकर धूप में सेंक रही थी और लोगों से अपील कर रही थी कि हमारे बच्चे की मदद की जाए। आप लोग मदद के लिए आगे आइए, बस इतना ही विनम्र प्रार्थना करूंगा। नितेश बाबू और सुशासन बाबू नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? उठवा नहीं लेना है अभी, चुनौवा नहीं है अभी, वोट लेना होता, चुनाव होता तो आते। बोल बोल के मेरा भी गला सूख गया है, पेट में पानी नहीं हजम होता। इस बच्चे को देखते हैं तो देख रहे हैं इसके ऊपर नलकी लगा हुआ है। तुम खाना खाते हो ना, बड़ा बड़ा मुंह बाके खाना खाते होगे, लेकिन इस बच्चे को अगर कुछ जाता है तो लिक्विड से जाता है, यानी पीने जो तरल पदार्थ होता है, पेय पदार्थ होता है, उसी से ये बच्चा जीवित है। और कब तक जीवित रहेगा इसको इसका अनुमान ये भी नहीं बता सकती हैं। चलिए, शुभकामना मैं इतना दे सकता हूँ इस बच्चे के लिए। मैं बड़ा तुच्छ आदमी हूँ, आप लोगों से हाथ निवेदन कर सकता हूँ, आप सबके सामने मैं तुच्छ हूँ। ये मैं इनसे इतना ही कहूँगा कि हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है? अगर हमें कुछ मांगना पड़ रहा है आपसे तो मैं आपके लिए तुच्छ बन जाऊंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और सोचता हूँ कि लोगों की मदद हो सके और लोगों के लिए भी आवाज़ उठाऊंगा, लेकिन विषय अभी अयांश का है तो अयांश की ही बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उससे पहले मैं बोलूंगा कि एक बार जनता से आग्रह कर दीजिए आप, हो सकता है आपकी बात से लोग प्रभावित हों। सर, मैं सबसे बस यही विनती करती हूँ कि प्लीज़ अयांश को बचाइए, अयांश की हेल्प करिए, क्योंकि इसके पास समय अब ज़्यादा नहीं है। और कहीं ना कहीं मदद इसकी आप ही कर रहे हैं और आप लोग ही करेंगे। अगर ये बचता भी है तो आप लोग के कारण ही बचेगा, तो प्लीज़ अयांश की मदद करिए। भैया, कोई जीवन में इतना रोता है ना कि उसके आंखों का आंसू सूख जाता है, कोई कोई इतना चिल्लाता है कि उसके आंखों का आंसू भी एकदम से जो भरा आंसू होता है ना वो सूख जाता है। ये जीवन में इतना परेशान है शायद कि इनके आंखों का आंसू सूख गया है, ये रो भी नहीं सकती हैं, दिखा भी नहीं सकती। तुम कहोगे कि रोती क्यों नहीं है, ये बहुत अपने आप में ग्लानियत महसूस करती हैं कि मैं रोती क्यों नहीं हूँ, मजबूत हैं इसलिए नहीं रोती हैं, इनकी बेबसी मैं समझ सकता हूँ, ठीक है? रोएंगी नहीं, मजबूत हैं और भ्रष्ट सिस्टम को आने वाली पीढ़ियों के साथ जमकर कोसेंगी, आप भी कोसेंगे मुझे पता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना आप सभी दर्शकों, धन्यवाद।